अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था कि उस सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके सिंटेक्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। आज की वीडियो में जो है वो हम इफ स्टेटमेंट्स और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इफ में कौन कौन सी जो है वो टाइप्स का यूज़ किया जाता है, उनके सिंटेक्स क्या होते हैं और उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो सी लैंग्वेज में किस तरह से जो है वो बनाए जाते हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विजेस और कंप्लीट नोट्स भी www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि आज हमारा होने जा रहा है चैप्टर नंबर 7, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में लेक्चर नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आउटलाइन में हमारे पास इसमें 4 टाइप्स जो हैं वो आ जाती हैं। नंबर 1 पर है सिंपल इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 है इफ एल्स स्टेटमेंट, और नंबर 3rd पर है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और नंबर 4 है एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि जिसमें आप कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं उसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। उसकी 4 टाइप्स जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। नंबर 1 है सिंपल इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 इफ एल्स स्टेटमेंट, नंबर 3 नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और नंबर 4 है एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, तो इसको आप देखते हैं कि सिंपल इफ स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या होती है। देखिए, सिंपल इफ स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं और सिर्फ जो है कोई ट्रू वैल्यू जो है उसको प्रिंट करवाते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट को जो है वो सिंपल इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक आपने स्टेटमेंट अप्लाई कर दी, अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन होते हैं 40 से तो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाए। तो सिंपल इस तरह की स्टेटमेंट जिसमें एक कंडीशन दी जाए और उसी कंडीशन के बेस पर आप जो है वो स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे हो तो उसे जो है वो सिंपल इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। इसमें आप इसके सिंटेक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप इफ के कीवर्ड यूज करेंगे तो देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन अप्लाई की जाएगी। यहाँ पे कंडीशन वो कंडीशन है जो कि इसमें आप वेरिएबल का यूज करते हुए उसको किसी के इक्वल करवाते हैं, उसी के मुताबिक अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यहाँ पर प्रैक्टिकल देखें किस तरह से उसी सिंटेक्स को हमने यूज किया है। तो हमने इफ स्टेटमेंट लिया, इफ के बाद कीवर्ड के बाद हमने ब्रैकेट में लिखा, एक वेरिएबल क्रिएट किया मार्क्स के नाम से। उस मार्क्स को हम कह रहे हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर मार्क्स की वैल्यू जो है वो 40 के या तो बराबर हो या 40 से जो है वो ग्रेटर देन हो तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो जाए, पास प्रिंट हो जाए। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें सिंपल इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें सिंपल इफ स्टेटमेंट एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है हमारे पास, हैश इंक्लूड stdio.h एक कोनियो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपने जो है वो इनपुट करवा ली, उसके बाद एक इंट मेन फंक्शन का यूज किया, ओपन ब्रैकेट लगाई, उसके बाद इंट एक इंटीजर डेटा टाइप ली और उसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है मार्क्स के नाम से। मार्क्स के नाम से वेरिएबल बनाने के बाद फिर हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं प्रिंट एफ में इंटर मार्क्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे यूजर जो है वो मार्क्स को एंटर करेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक यूजर से इनपुट लिया जाएगा, यानी सबसे पहले इंटर मार्क्स में आपके पास ये एज इट मैसेज डिस्प्ले आपको नजर आएगा। देन उसके बाद क्या है कि स्कैन एफ का फंक्शन यूज कर रहे हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे स्कैन एफ परसेंट डी यानी कि इंटीजियर वैल्यू है कॉमा एम परसेंट मार्क्स, क्योंकि मार्क्स को हम उस वेरिएबल को एड्रेस करवा रहे हैं, लिंक करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको नोट कर लिया। देन उसके बाद अब कंडीशन अप्लाई की जा रही है, कह रहे हैं कि अगर इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर मार्क्स जो हैं वो 40 के या तो बराबर होते हैं या 40 से ग्रेटर देन होते हैं तो हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट हो जाए, पास।
और उसके बाद उस प्रोग्राम को जो है वो हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि जिसमें हमने कोई फॉल्स वैल्यू को स्टेटमेंट को जो है वो प्रिंट नहीं करवाया, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लगाइए, अगर मार्क्स जो है वो 40 से ग्रेटर देन है या उसके इक्वल है तो हमारे पास जो है वो मैसेज क्या प्रिंट हो जाए, पास हो जाए, ठीक है। तो सिंपल ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप कोई कंडीशन अप्लाई करके कोई ट्रू वैल्यू को जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, उन्हें हम जो है वो इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है वो हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो है वो वर्क करेगी। मैं यहाँ से इस पूरे कोड को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है ये स्क्रीन जो है वो वर्क करेगी। ओके, उसके बाद हम यहाँ से ये कोड ब्लॉक जो हमारा सी की आईडीई के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ, स्क्रीन मैंने जो है वो शेयर कर दी है। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से फाइल पे क्लिक करें, ओपन न्यू पर आए, न्यू के आने के बाद फाइल पे क्लिक करें, देन उसके बाद सी या सी प्लस प्लस सोर्स पे क्लिक करके गो पे क्लिक करना है, देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप नाम दे दें, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ उसको इफ डॉट सीपीपी। सीपीपी जो है उसकी एक्सटेंशन फाइल नेम है, और उसके बाद एक सी प्रोग्राम्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहां पर मैं जो है वो उसको सेव करवा रहा हूँ। यहाँ पर लाके मैंने क्या किया, उस पूरे प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे ठीक से नजर आ रहा हो तो यहाँ पे देखें, ये एज इट प्रोग्राम जो था वो मैंने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद देखें, सिर्फ मार्क्स हम क्या कर रहे थे कि अगर मार्क्स जो है 40 के इक्वल है या 40 से ग्रेटर देन है तो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा पास, ठीक है। तो इसको हम रन करवाते हैं, रन पर क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे बिल्ड एंड रन पर क्लिक करें, और उसके बाद ये आपको स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं इंटर मार्क्स, यहाँ पे मैम मिसाल के तौर पर 78 इनपुट करने के बाद जैसे ही एंटर करूंगा तो आपके पास मैसेज आ रहा है पास, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसकी कोडिंग की जाती है। और अगर मैं इसको यूज कर लेता हूँ 34, तो देखें 34 लिखने पर कोई भी पास का मैसेज प्रिंट हुआ ही नहीं, क्योंकि इसने क्या किया, इसने सिर्फ जो है वो एक ही स्टेटमेंट जो कि ट्रू स्टेटमेंट थी उसको प्रिंट करवा के हमें रिजल्ट दिया। यानी कि अगर मार्क्स जो है वो 40 या उससे ग्रेटर देन हो तब हमें जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट हुई भी नजर आ जाए, वो कौन सी स्टेटमेंट हो, पास के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल इफ स्टेटमेंट को जो है वो यूज किया जाता है। ओके, तो चलते हैं हम दोबारा से इसी के ऊपर और देखते हैं कि जो है वो किस तरह से ये नेक्स्ट स्टेटमेंट वर्क करेगी। तो ये था हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट, क्योंकि हमने किसका एक प्रोग्राम बनाया और उसको देखा कि किस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ अब ये देखें कि इफ एल्स स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कंडीशंस में क्या कर रहे होते हैं, या तो ट्रू कंडीशन दे रहे होते हैं या फिर हम फॉल्स कंडीशन भी दे रहे होते हैं। तो जैसे हमने इफ स्टेटमेंट सिंपल इफ स्टेटमेंट में देखा था, वहां पर हम सिंपल ट्रू कंडीशन को जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे थे, लेकिन यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा कि हम एक ट्रू कंडीशन को भी एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे, और अगर हमें किसी फॉल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो भी हम जो है वो इफ एल्स की मदद से, इस स्टेटमेंट की मदद से जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसके सिंपल से एक सिंटेक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ कंडीशन उसके बाद स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये स्टेटमेंट हम जो है वो प्रिंट करवा लेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो आ जाएगी यहाँ पे एल्स, यानी उसके अलावा फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर दी जाएगी। तो ये उसका सिंपल सा सिंटेक्स है, और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से उस सिंटेक्स का यूज किया गया है। अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन होते हैं 40 के या बराबर होते हैं, 40 के बराबर इक्वल हो या 40 से ग्रेटर देन हो तो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाए पास, वरना
हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाए फेल, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे हमने एल्स का जो है वो यूज किया, यानी कि हम फॉल्स कंडीशन को भी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट को इफ एल्स स्टेटमेंट का नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज कर लिया, इंट मेन का यूज किया, उसके बाद एक इंटीजर लिया जिसमें आप मार्क्स के नाम से उसको क्रिएट किया है, उसके बाद दोबारा से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया इंटर मार्क्स, उसके बाद यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा परसेंट डी एम परसेंट मार्क्स, ठीक है, ये वही यहाँ तक सेम है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन होते हैं या बराबर होते हैं 40 के, तो मैसेज प्रिंट हो जाए पास, वरना हमारे पास मैसेज प्रिंट हुआ हुआ हमें नजर आ जाए क्या, फेल। तो इस तरह से ये प्रोग्राम को जो है वो डिजाइन किया जाता है। चलते हैं और इसी प्रोग्राम को दोबारा से सी पर कोड ब्लॉक पर रन करवा के देखते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा और उसका आंसर किस तरह से आएगा। स्क्रीन को मैं शेयर कर लेता हूं और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है कि हम सिंपल, पहले हमने एक सिर्फ इफ स्टेटमेंट यानी कि जो ट्रू स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट करवाया था, अब यहाँ पे हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट भी आ रही है जो कि एल्स के अंदर हमने उसको यूज किया है, उस स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिंट करवाना है। देखें अब यहाँ पे मैं दोबारा से बिल्ड एंड रन पे क्लिक करता हूँ, अब कह रहा है इंटर मार्क्स, अगर मार्क्स मेरे पास 74 हैं जो कि 40 से बड़े हैं, ठीक है, तो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाए पास। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको पास लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं दोबारा लेता हूँ और उसके बाद मैसेज यानी कि 40 से लेस देन ले लेता हूँ, तो 40 से लेस देन मैंने ले लिया यहाँ पे 34, तो 34 जो है वो 40 से लेस देन है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप मैसेज डिस्प्ले हो रहा है फेल। तो इसने क्या किया, जो ट्रू कंडीशन थी उसको पहले एग्जीक्यूट किया, अगर वैल्यू 40 से जो है वो लेस देन जा रही है तो उसने जो एल्स वाली कंडीशन थी, एल्स वाली कंडीशन यानी कि ये वाली जो कंडीशन थी इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कहा जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा अब देखें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, सिंपल एक इफ एल्स स्टेटमेंट में ये था कि एक आपने ट्रू कंडीशन अप्लाई की, एक में आपने जो है वो फॉल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा लिया, लेकिन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि इसमें आपके पास मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल रही होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि सबसे पहले एक आपने कंडीशन अप्लाई कर दी, उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन अप्लाई की जाएगी, ठीक है, देन क्या होगा, या तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी अदरवाइज दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, या फिर कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, इस तरह की, यानी कि मल्टीपल जो आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है, कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन आ जाती है उसके अंदर आप एल्स एल्स की कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं, उसे जो है वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। चलें इसको जो है इसको भी प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल्स में इफ मार्क्स आ गए, ठीक है, अब ये एक प्रैक्टिकल उसी को हमने जो है वो ले लिया है, मार्क्स जो है वो अगर 250 होते हैं या 250 से ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई, अब उसके अंदर एक और कंडीशन मैंने अप्लाई की, उसमें क्या कह रहा हूँ कि अगर अटेंडेंस जो है वो 26 हो या 26 के ग्रेटर देन जाती है तो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाए पास, ठीक है, वरना हमारे पास मैसेज आ जाए योर अटेंडेंस आर लो, ठीक है, और उसके बाद एल्स में या फिर हमारे पास जो है वो मैसेज आ जाए प्रिंट एफ में फेल। तो इस तरह से यानी कि इफ एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को हम अप्लाई करें और उसके अंदर भी हम एल्स की कंडीशन अप्लाई करते रहें, तो ऐसी कंडीशंस
को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये इसका एक प्रैक्टिकली प्रोग्राम है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। यहाँ से मैं इसको, ओके, इसको मैंने यहाँ से, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में दोबारा से आप आ जाते हैं उसी कोड ब्लॉक के ऊपर और देखते हैं कि वो जो है वो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको दोबारा से रिमूव करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब देखें कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पर ये जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है, ठीक है, एक इंटीजर हमने क्रिएट किया जो कि मार्क्स के नाम से है और उसमें वैल्यू मैंने रखवाई है 269। ठीक है, वैल्यू रखवा दी 269। दूसरी हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसको भी इंटीजर लिया है डेटा टाइप, और उसमें 26 हमने स्टोर करवाया है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन होते हैं या बराबर होते हैं 250 के, यानी कि 250 हो या 250 से ग्रेटर देन हो, तो क्या करेगा वो नेक्स्ट कंडीशन पर आएगा। नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी क्या, यानी ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो सेकंड कंडीशन पे आएगा और फिर वो देखेगा अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस 24 है या 24 से ग्रेटर देन है तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी हमारे पास पास, वरना हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट होगा, सॉरी योर अटेंडेंस इज लो और एल्स फेल या रिटर्न जीरो। ठीक है, अब देखें इसका आउटपुट में देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पास। पास क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप देखें ये पास लिखा, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे हमने जो एक इंटीजर बनाया था उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी 269, यानी कि मार्क्स के अंदर। तो हमने क्या कहा था कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन हो 250 से या उससे उसके बराबर हो तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाए, पास हो जाए। दूसरी कंडीशन चेक हुई 26, जो कि हमारे पास 24 था अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस 24 है या 24 से ग्रेटर देन है तो हम मैसेज क्या प्रिंट करवा देंगे, पास। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अगर मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, अब ये 269 है ना, अब इस 269 को मैंने कर दिया 234। अब ये 234 जो है वो बेसिकली 250 से जो है वो लेस देन मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अटेंडेंस में तो पास हो रहा है, लेकिन पहली जो कंडीशन थी ये वाली, यहाँ पर ये क्या जा रहा है, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या कह रहा है, फेल। फेल क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि वो मार्क्स में ही यहाँ पर लेस देन हो गया। 250 स्कोर करने थे उसने और उसने 234 जो है वो मार्क्स ऑब्टेन किए, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर जो ये वाली स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर वो मार्क्स में पास हो जाता है लेकिन अटेंडेंस उसकी कम है तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 234 थे, 264 जो कि 250 से ग्रेटर देन है, तो मार्क्स में तो वो क्लियर हो गया, लेकिन अटेंडेंस की अगर बात की जाए तो 24 अटेंडेंस हमारे पास चाहिए थी और यहाँ पर अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ 21, जो कि 24 से क्या है, लेस देन है। तब क्या होगा, मार्क्स में क्लियर हो गया लेकिन अटेंडेंस में यहाँ पे हमारे पास ये वाला मैसेज फिर प्रिंट होगा, क्योंकि अटेंडेंस क्या जा रही है, अटेंडेंस लो जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, सॉरी योर अटेंडेंस इज लो। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या हुआ, कि अगर यहाँ पे इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन अप्लाई की गई थी, अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसके मुताबिक जो है वो आपको रिजल्ट दे रहा होगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा पास, अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि मार्क्स की कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन अटेंडेंस की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो हमारे पास ये वाला मैसेज जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होगा, और अगर दोनों ट्रू नहीं हो रही या कोई और मसला आ रहा है तो फिर हमारे पास ये वाला जो है वो स्टेटमेंट
जो कि फेल के नाम से आ रही है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं इसको 264 थे, इसको मैं दोबारा से कर लेता हूँ 231, और प्रिंट करवाऊंगा जब इसका, तो हमारे पास फेल आ रहा है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस तरह से जो है वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, जहां पे आप कॉम्प्लेक्स जो है वो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं इफ एल्स की कंडीशंस का यूज करते हुए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाती है देन हमारे पास आ रही है एल्स इफ स्टेटमेंट। अब ये एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि देखें, इसमें एक कंडीशन आपको दे दी जाएगी, एक कंडीशन दे दी उसके मुताबिक ही उसकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, देन उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, इसी तरह से थर्ड कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी, वरना इसके अलावा अगर कोई स्टेटमेंट आपने दी है तो वहां पर जो है वो उसको प्रिंट करवा दिया जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम एल्स इफ स्टेटमेंट का नाम दे रहे होते हैं, जहां पे आप मल्टीपल जो है वो एल्स इफ कंडीशंस का यूज कर रहे होते हैं। ओके, इसको भी प्रैक्टिकली यहाँ पे आप समझ लें, मिसाल के तौर पर अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन हैं या इक्वल होते हैं 250 के, तो आपके पास मैसेज प्रिंट हो जाए फर्स्ट पोजिशन, एल्स इफ, वरना क्या कह रहे हैं, अब दूसरी कंडीशन आ गई, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन होते हैं या बराबर होते हैं 200 के, तो हमारे पास मैसेज आ जाए सेकंड पोजीशन, और अगर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन होते हैं या बराबर होते हैं 175 के, तो हमारे पास मैसेज आ जाए थर्ड पोजीशन, एल्स वरना उसके अलावा क्या है, और अगर इससे भी किसी के कम मार्क्स हैं तो वहां पे हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे फेल। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है वो मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करके हमने प्रोग्राम बनाया, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस को अप्लाई करके उनको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। इसको, इस प्रोग्राम को भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये जो है वो किस तरह से वर्क करेगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ दोबारा से, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप सबसे पहले एक इंटीजर लिया मार्क्स के नाम से, उसके बाद आप क्या करवा रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, प्लीज इनपुट योर मार्क्स। अब यहाँ पे क्या करेगा, यूजर के पास जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज आ रहा होगा, प्लीज इनपुट योर मार्क्स। अब यहाँ पे यूजर, हमने एक स्टेटमेंट ली स्कैन है, जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज की जाती है, परसेंट डी कॉमा एम परसेंट मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर मार्क्स जो हैं वो 250 के इक्वल होते हैं या 250 से ग्रेटर देन जाते हैं तो फर्स्ट पोजीशन आ जाए, एल्स इफ, अगर मार्क्स जो हैं वो 200 हैं या 200 से ग्रेटर देन जाते हैं तो सेकंड पोजीशन आ जाए, अगर मार्क्स जो हैं वो 175 हैं या उससे ग्रेटर देन हैं तो हमारे पास थर्ड पोजीशन आ जाए, वरना हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट हो जाए, फेल। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे, प्लीज इनपुट योर मार्क्स। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, अगर मार्क्स 200 है या 200 से बड़े हैं, अच्छा 250 है, तो 250 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 279, जो कि 250 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ गया फर्स्ट पोजिशन। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पे देखें, अगर ये वाली कंडी, अगर किसी के मार्क्स जो हैं वो 200 हैं या 200 से ग्रेटर देन है लेकिन 250 से कम है, तो मैसेज क्या आ जाए, सेकंड पोजीशन। किस तरह से आएगा ये देख लेते हैं इसको भी, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 234, जो कि 243, 250 से लेस देन है और 200 से ग्रेटर देन है, एंटर करेंगे, सेकंड पोजीशन लिखा हुआ आपके पास आ रहा है। अच्छा अब ये वाली देख लेते हैं, अगर किसी के मार्क्स 175 है, 175 से ग्रेटर देन है लेकिन 200 से कम है, कैसे, अब 175 है ना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 175,
179 जो कि 175 से ग्रेटर देन है, 200 से लेस देन है। एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थर्ड पोजीशन लिखा हुआ। तो इसने क्या किया कि ये वाली जो स्टेटमेंट थी इसको एग्जीक्यूट करवाया है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के मार्क्स 175 से भी कम है तब क्या होगा? तब आपके पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के मार्क्स जो है वो 157 है, क्योंकि 175 से लेस देन है, तो आपके पास मैसेज क्या आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फेल। तो इस तरह से जो है वो आपके पास जो एल्स इफ स्टेटमेंट हैं, डिफरेंट टाइप्स की मल्टीपल एल्स इफ कंडीशंस का यूज करके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो ज्यादातर जो है वो हमारे पास नेस्टेड इफ कंडीशंस का, नेस्टेड इफ एल्स या एल्स इफ कंडीशंस का जो है वो यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग्स में। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो चैप्टर नंबर 7 के सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट को देखा और उनके सिंटेक्स को डिस्कस किया, और ये देखा कि उनको प्रैक्टिकली जो है वो किस तरह से सी प्रोग्रामिंग्स में बनाया जाता है और उनके आंसर्स किस किस तरह से जो है वो चेंज होते हैं उनकी कंडीशंस के लिहाज से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।